नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एग्री साइड किक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक न्यूज़ लेके आए हैं जो संबंधित है आईसीआर के जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं, आईसीआर जेआरएफ एसआरएफ के लिए जो पीएचडी के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे उनके लिए जो सिलेबस का जो पैटर्न है क्या रखा गया है, किस हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज किया गया है सिलेबस में और कितने पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है, तो आईसीआर की साइट पर आप देख सकते हैं। हम साइट पर आ चुके हैं, तो आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं जो नोटिफिकेशन उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में फिर जो ए पार्ट है, बी पार्ट और सी पार्ट है जो इसके अलग अलग डिवाइड करें उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए कंडक्ट हो रहा है उसमें आपको पता ही होगा, अब इसमें क्या बदलाव किया गया है उसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। इसमें पहले के जैसा कि जेआरएफ एसआरएफ पीजीएस के अंडर जो बताया गया है कि इसमें पहले एक 200 क्वेश्चन आते थे जिसमें कि मल्टीपल चॉइस के होते थे, और एसआरएफ में जैसे कि ऐसा होता था 200 क्वेश्चन आते थे लेकिन जो 20 क्वेश्चन थे वो तो एग्रीकल्चर स्टेटिक्स या एग्रीकल्चर से संबंधित जो जनरल अवेयरनेस है उसके बारे में आ जाते थे या स्कीम वगैरह के बारे में आ जाते, और 180 अपने सब्जेक्ट के होते थे। तो इस तरीके से 200 क्वेश्चन आते थे, और अब की बार क्या रखा गया, अब की बार पैटर्न रखा गया है कि 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, और ध्यान रहे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे आपके एग्ज़ाम होंगे। और 120 को फिर अलग अलग डिवाइड किया गया है, 100 अलग अलग 120 को कैसे अलग अलग डिवाइड किया गया है, तो ए पार्ट है उसमें जनरल अवेयरनेस और जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, रीजनिंग एबिलिटी भी लिख रखा है इसमें तो पूछ सकते हैं। अब पार्ट बी आता है, आइटम 4 कोर ग्रुप कंटेनिंग द स्पेशलाइज सब्जेक्ट फॉर पीएचडी। अब इसमें कोर ग्रुप, कोर ग्रुप ये हो गए इसमें कि कोई बड़ी बात नहीं है, कोई समझ नहीं रही, तो ये कोर ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप हो गए, जैसे क्रॉप साइंस फर्स्ट का हो गया, ये मतलब डिपार्टमेंट होते हैं ना, जैसे पैथोलॉजी के, एनिमल हस्बेंड्री के, ये डिपार्टमेंट को डिनोट कर रहा है कोर ग्रुप, तो ये ग्रुप हो गए, ये अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं जो जो भी जितने भी एग्जाम होंगे वो कोर ग्रुप के होंगे उस तरीके से। अब कोर ग्रुप के बाद फिर आती है थर्ड स्टेज पे सी, जिसमें कि 50 क्वेश्चन उसके होंगे, और 50 क्वेश्चन उसके होंगे और उसमें भी फिर स्पेशलाइज सब्जेक्ट होंगे, फिर सब्जेक्ट में अपन करेंगे, जैसे कोर ग्रुप है, कोर ग्रुप में ब्रीडिंग हो गया क्रॉप साइंस के अंतर्गत, और फिर एग्रोनॉमी हो गया, ये आते हैं कोर ग्रुप में, और फिर स्पेशलाइज सब्जेक्ट में आते हैं। स्पेशलाइज सब्जेक्ट में आप देखोगे कि एग्रोनॉमी के अंडर अपन ले लेते हैं वाटर मैनेजमेंट ले लेते हैं, और सोइल के क्वेश्चन सोइल केमिस्ट्री फर्टिलिटी के ले लेते हैं, एग्रोनॉमी संबंधित मीटरोलॉजी संबंधित है वो क्वेश्चन ले लेते हैं, वीडमैन से संबंधित वो क्वेश्चन, तो इस तरीके के 50 आएंगे। ठीक है, तो 20 तो सबके लिए बराबर आएंगे और 50 अपने जो स्ट्रीम जो चुनोगे, जैसे एग्रोनॉमी चुन लिया उसको डिनोट कर रहा है, और फिर C50 के उसमें जो मल्टीपल वो आगे अलग अलग डिवाइड हो गई ब्रांचें उसके हो गए। तो विस्तार से चर्चा करते हैं, इनके नोटिफिकेशन देखते हैं बी और सी में क्या है, बी और सी के नोटिफिकेशन खोल के देखते हैं इसकी साइट पे। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले बताया था कि ये बी ग्रुप है, बी ग्रुप में देखते हैं कोर ग्रुप आए हुए हैं, देखो जैसे क्रॉप साइंस है और क्रॉप साइंस फर्स्ट है, इसमें जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक्स बॉटनी एंड प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है, और क्रॉप साइंस सेकेंड है उसमें प्लांट पैथोलॉजी, तो अलग अलग रखे गए हैं। तो कोर ग्रुप्स क्रॉप साइंस हो गया, क्रॉप साइंस थर्ड, सेकेंड हॉर्टिकल्चर, ऐसे हो गए। ठीक है, अभी ये इसमें सब्जेक्ट आ रहे हैं, आप नोटिफिकेशन वहाँ जाके देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, स्क्रॉल करके मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ क्या है, जैसे वेटनरी एनिमल साइंस थर्ड है, इसमें अलग अलग है, क्या है कि इसमें डेयरी का अलग है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का अलग है, कम्युनिटी साइंस का अलग है, फिशरीज का अलग है। अब इसके बाद ये तो अपन को कोर ग्रुप समझ में आ गए, अब थर्ड पे चलते हैं अपन स्पेशलाइज सब्जेक्ट पे। अब जैसा कि पिछले उसमें बताया था पार्ट में जो सी पार्ट है वो ये है, इसमें अपने ये सब्जेक्ट है ना उसके नाम दिए हुए हैं, कोड नंबर देके और सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, सीड साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये अपने वेरी करता है कोर ग्रुप के हिसाब से, कोर ग्रुप के हिसाब से आएंगे इसमें सब। जैसे कोर ग्रुप में डिनोट कर रहा था क्रॉप साइंस फर्स्ट सेकंड, तो उसमें सब्जेक्ट आ रहे थे, तो ये वो वाले सब्जेक्ट हैं और इनको कोड नंबर देके किया गया है। अब इसका जो सिलेबस है वो भी डाला गया है पीएचडी का, उसको भी देख लें। अब जैसे इसमें जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग जो एक नंबर का वो सब्जेक्ट है, इसमें कौन कौन से आएंगे, ठीक है ये सिलेबस है,
तो इसमें जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में आएंगे, जनरल जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, इकोनॉमिक्स, बॉटनी एंड प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स, और जीनोम ऑर्गेनाइजेशन एंड साइटोजेनेटिक्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स, ये आएंगे, और क्वांटिटेटिव एंड बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स। तो इस तरीके से जो बताया ना, वो अलग अलग फिर इसकी ब्रांचें होती जाएगी, सब्जेक्ट जो अपन ने ये एमएससी में पढ़ते हैं ये पूरे चल जाएंगे, इसके जो सब्जेक्ट हैं वो पूरे आ जाते हैं इसमें। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखते रहिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स इन प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग फॉर स्ट्रेस रेजिस्टेंट एंड न्यूट्रिशनल क्वालिटी, ये इसमें जो अपने फर्दर वो कोर्स चलते हैं एमएससी में वो हैं पूरे। ठीक है, अब जैसे सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें सीड में वाले में क्या आएगा पूरा दे रखा है वह अलग अलग के। तो आप ये ICAR की साइट पे वहाँ से जाके चारों तीनों चारों नोटिस डाउनलोड कर लें, सिलेबस का पार्ट ए का बी का नोटिफिकेशन उसके, और वहाँ से आप आराम से प्रिंट आउट निकलवा लें या देखें तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको पूरा।